नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 21 मार्च है और आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में यूनेस्को ने हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाने का फैसला किया। इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर में मौजूद कवियों को सम्मानित किया जाता है। दुनिया भर के देशों में इस दिन कवियों को सम्मानित करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विश्व कविता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल विश्व कविता उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल एक कवि अपनी कविता के माध्यम से दुनिया भर के तमाम मुद्दों को उजागर करता है, लोगों को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। आपको और हमें सभी को कविता पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्हें हमें और आप दोनों ही अच्छे से जानते हैं। कवियों के लिए एक कहावत भी कही जाती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अपनी कविता के जरिए समाज को कई संदेश भी देते हैं और समाज में हो रहे कर्म कांडों के बारे में भी बोलते हैं। कविता दिवस को सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य है कि विश्व भर में कविता के पढ़ने, लेखन, प्रकाशन और शिक्षण को प्रोत्साहन देना। यूनेस्को का उद्देश्य है कि विश्व कविता दिवस को एक नई दिशा प्रदान करना। विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व में कविताओं के लेखन, पठन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए नए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके जरिए छोटे प्रकाशकों के उस प्रयास को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिनका प्रकाशन कविता से संबंधित है। जब यूनेस्को ने इस दिन की घोषणा की थी तब उसने कहा था कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता आंदोलन को ये एक तरह की पहचान मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।